अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाने लगी हूँ कीमा कढ़ाई। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने तकरीबन हाफ़ के जी लिया है बीफ कीमा तकरीबन। इसको मैंने सिरके से वॉश किया क्योंकि मुझे इसकी जो स्मेल सी होती है ना वो पसंद नहीं, हालांकि भूनने में चली जाती है लेकिन फिर भी। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए, उनको मैंने ब्लेंडराइज़ कर लिया है। 2 टमाटे लिए, उनको भी ब्लेंडराइज़ कर लिया है। 1 हमें कप चाहिए होगी दही चाहिए होगी। और मैंने इसमें 3 लहसुन, 1 इंच अदरक और 1 टेबलस्पून धनिया और तकरीबन 10 लीव्स मैंने पुदीने के लिए, उनकी मैंने को चॉप कर लिया, ठीक है। 3 हरी मिर्चें लिए हैं ये। उसके अलावा जो मसाला हमें चाहिए होगा वो नोट कर लें। क्वांटिटी आप आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे वीडियो में देख लीजिएगा। सूखा धनिया, उसके बाद ये गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी, नमक, मिर्च है, ठीक है। उसके अलावा ये हमें थोड़ा सा मसाला, शुरू में हमने 2 इलायचियाँ सब्ज़ वाली छोटी इलायचियाँ और ये लौंग और ये, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। उसमें रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद। ऑलवेज जब भी आप स्टार्ट करें तो अल्लाह का नाम लेके दुरूद शरीफ लेके ज़रूर स्टार्ट किया करें जी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, उसके बाद इसमें मैं ये जो अब ये डाल रही हूँ, ऐसे में आवाज़ें आने लग जाए तो आपने इसके अंदर अनियन डाला है। मैंने इसको ब्लेंडराइज किया हुआ है, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये 2 मीडियम साइज अनियन है। अब हम इसको पहले करेंगे गोल्डन करेंगे, अभी थोड़ी सी पिंकिश हो जाएगी तो इसमें जो मैंने अदरक लहसुन की जो बनाई हुई वो डाल दूँगी। आप चाहें तो पेस्ट टोटी पेस्ट की सूरत में भी कर सकते हैं। मैंने ये चॉप किया है। पेस्ट में ये होगा कि आप 1 टेबलस्पून जिंजर डालें और 1 ग्रीन पेस्ट डालेंगे जो कि पुदीने की, धनिया की और हरी मिर्च की बनती है। अब हम इसको सौते करेंगे अच्छे से, ये गोल्डन ब्राउन हो जाइए। इतना करने के बाद ज़्यादा नहीं आपने काला करना, ठीक है, और ना कच्चा रखना। मैंने इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया। अब मैं इसको सौते करूँगी, दैन फिर मैं मसाला ऐड जी। अब मैंने इसको थोड़ा सा सौते किए 2 मिनट्स के, दैन अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। मैंने 1 टीस्पून रेड चिली लिए, 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, और इतनी मैंने हल्दी ली है इसके अंदर। इसके बाद इसमें मैं 1/2 टीस्पून लूँगी सूखा धनिया, सिर्फ इतनी, ताकि कढ़ाई का कुटी भी लाल मिर्च, ताकि कढ़ाई का टेस्ट आए इसके अंदर। आप चाहे तो ज़्यादा 1/2 टीस्पून भी कर, 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, ये खुद ही घर में हमने इसको पिसा हुआ है। और उसके बाद मैं सिर्फ इतना 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने गरम मसाला लिया क्योंकि मैंने एंड पे भी इसके ऊपर छिड़क दिया। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो मसाला ना नीचे सही लगे। अब इसमें मैंने दही डाल दी 1 कप तकरीबन। अब मैं इसको अच्छे से करूँगी। मैंने कीमा भूना पहले इसलिए नहीं क्योंकि ये कीमा कढ़ाई है। किसी दिन मैं आपको खड़ा कीमा भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैंने आपको बहुत सॉरी करा, मैं अक्सर वीडियो में आपको बता दी कि पीछे से कोई शोर आता है, आई एम रियली रियली सॉरी। बच्चे होते हैं और बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और मैं म्यूज़िक नहीं करना चाहती कि मैं अपनी आवाज़ ख़त्म करके म्यूज़िक ऑन करूँ और सब टाइटल यूज़ करूँ, कि जिस चीज़ में पहले अल्लाह का दुरूद शरीफ पढ़ा जाए उसमें म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। अब ऐसा हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अब ये कीमा डालूँगी। बीफ कीमा मैंने यूज़ किया तकरीबन 1/2 के जी के बराबर, और मैं हमेशा कीमे में थोड़ा सा सिरका पहले डाल के रखती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप सब करें, आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मैं इसको भूनूंगी इसके अंदर, ये तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैंने एक ग्रीन चिली डाल दिया, आप चाहे तो 2-3 और डाल सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट खुशबू के लिए, इसका फ्लेवर में तो नहीं इतना होगा कि अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब मैं तकरीबन इसमें 1 ग्लास पानी डाल के इसको फिर ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँ। रेडी हो चुका हुआ है कढ़ाई कीमा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी थोड़ा सा इसको ऑयल अच्छा लगता है।
और उम्मीद आपको पसंद आएगा। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।